अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है उस काले बंदर की जिसने इंडिया के शहर दिल्ली के लोगों को इतना परेशान किया कि दिल्ली के लोग बहुत इससे तंग आ गए थे। उन्होंने आखिरकार पुलिस में कंप्लेनें करना शुरू कर दी और पुलिस भी इस मामले से इतनी तंग आ गई कि उसको भी पता नहीं चल रहा था कि ये काला बंदर कौन सा है और लोगों को इतना तंग क्यों कर रहा है। जब पुलिस बहुत ज़्यादा तंग आ गई तो उसने इन्वेस्टिगेशन भी करना शुरू कर दी। लेकिन ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2001 में, जब दिल्ली के शहर में इतनी ज़्यादा बिजली नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर लोड शेडिंग हुआ करती थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। लोग जो है छतों पर सोया करते थे या बाहर सोया करते थे, और जब लोग बाहर या छतों पर सोया करते थे तो वहीं एक काला बंदर आता था और लोगों को डराता था और लोग उससे बहुत ज़्यादा डर जाते। और कुछ अरसे के बाद लोगों को उस बंदर ने काटना शुरू कर दिया और लोगों ने भी उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पुलिस में कंप्लेनें करना शुरू कर दी। पहले तो पुलिस इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रही थी कि ये काला बंदर कैसे लोगों को तंग कर रहा है, ये एक मामूली सा जानवर होगा जो लोग जिससे डरे हुए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन दिल्ली की पुलिस के पास कंप्लेनें बहुत ज़्यादा बढ़ती गईं, बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्लेनें होना शुरू हो गई। तो दिल्ली की पुलिस ने आखिरकार उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसने तहकीक करना शुरू कर दी कि आखिर ये काला बंदर कौन सा है और ये कैसे लोगों को तंग कर रहा है। जब पुलिस ने लोगों की हिफाजत के लिए खड़ी हुई तो पुलिस को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोग ये लोगों को कैसे काटता है। लेकिन फिर भी हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया था और होना तो ये चाहिए था कि कंप्लेनें कम आना शुरू होती, लेकिन कंप्लेनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पहले से भी ज़्यादा कंप्लेनें बढ़ना शुरू हो गई। और उस वक्त फिर दिल्ली की गवर्नमेंट ने दिल्ली के शहर में बिजली जो है वो मतलब लगातार शुरू कर दी और बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी ताकि लोग जो है वो अपने कमरों में सो सकें और बाहर ना सोएं और इस काले बंदर से जो है महफूज रहें। लेकिन इस बात से भी फिर मजीद दूसरे इलाकों में भी ये काला बंदर फैलता गया, हालांकि दिल्ली के पूरे इलाके को इस काले बंदर ने डरा के रख दिया और पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टिगेशन की लेकिन उसको इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये काला बंदर कौन सा। हालांकि पुलिस ने वहाँ पर जहाँ पर काला बंदर की शिकायत मिलती वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुहैया करती, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस काले बंदर का बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये कैसे आता है और कैसे फिर ये लोगों को डरा कर चला जाता है। आखिरकार ये मामला चलता रहा और जब फिर बहुत ज़्यादा कंप्लेनें पुलिस में होना शुरू की हो गई तो पुलिस ने फिर एक इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर दोबारा एक टीम बनाई जिसने उसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। फिर जो भी बंदा आता कंप्लेन लेकर पुलिस पहले उसको सच और झूठ को देखती और उसको मजीद उसके मतलब जो शिकायत लेकर आता था उसकी तफ्तीश करती। तो लोगों की फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंप्लेनें कम होना शुरू हो गई और जिस्म के ऊपर खराशें लगी हुई थी उस काले बंदर के काटने की वजह से। पुलिस ने भी उसके ऊपर फिर अस्पतालों के अंदर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई और चेक करवाया, तो जब चेक करवाया तो पता चला कि ये जो उनके ऊपर कांटे लगे हुए हैं ये उस बंदर के नहीं, हालांकि ये किसी दीवार से या किसी शीशे की चीज़ से अपने हाथ के ऊपर खुद लगाए गए हैं और किसी जानवर की वजह से ये नहीं लगाए गए। तो फिर जाकर पता चला कि दिल्ली की लोगों ने अपनी दिल्ली की पुलिस को और गवर्नमेंट को पागल बना दिया था, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में बिजली की इतनी लोड शेडिंग हो गई थी कि लोग तंग आ गए थे। लोगों ने फिर यही बहाना बनाना शुरू किया, जब एक इलाके में लोगों ने इस तरह कंप्लेनें करना शुरू की उस काले बंदर की तो उस इलाके में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद दूसरे इलाकों वालों ने भी यही झूठ बोलना शुरू कर दिया और दिल्ली की पुलिस को पागल बना के रख दिया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये लोग तो लोड शेडिंग की वजह से बिजली मंगवाने की वजह से इतना दिल्ली की गवर्नमेंट और दिल्ली की पुलिस को तंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और फिर जो भी इस तरह की कंप्लेन लेके आता पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती, उसके बाद फिर ये कंप्लेनें आना बंद हो गई। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक मज़ेदार स्टोरी में।